नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बलिया जनपद में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का पेपर आउट होने की खबर प्रकाशित करने पर बलिया जनपद के पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा व मनोज कुमार गुप्ता को जिला प्रशासन बलिया द्वारा दोषी ठहराते उन्हें जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जिले के पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार देवव्रत के नेतृत्व में बुधवार को कमिश्नर से मिलकर पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। उनका आरोप है कि इन्हीं पत्रकारों ने पूरी मेहनत एवं अपने पेशे के प्रति निष्ठा रखते हुए नकल माफिया और प्रशासन की मिली भगत का पर्दाफाश किया था। स्वाभाविक है कि पत्रकारों का यह कार्य प्रशासन का पसंद नहीं आया और उसने पत्रकारों को डराने एवं सही खबरों को शासन और जनता से छुपाने के उद्देश्य से इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि निर्दोष पत्रकारों को जेल से रिहा किया जाए, तीनों पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, जिला प्रशासन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए, साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कर पत्रकारों को उचित मुआवजा दिया जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।